हेलो एवरीबडी वेलकम टू माई चैनल दिस इज प्रोफेसर इवनीत सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू लीगल पोजिशन ऑफ माइनर और रूल्स रिगार्डिंग माइनर्स एग्रीमेंट माइनर कौन होता है उसके रिगार्डिंग क्या रूल्स होते हैं उसकी क्या पोजिशन होती है अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है ए माइनर कैन बाइंड अदर्स बट इज नॉट बाउंड बाय अदर्स एक्सप्लेन ये क्वेश्चन मैंने जब बिजनेस लॉ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए थे वीडियो के फॉर्म में तो उसमें मैंने कवर अप किया रहा था तो उसमें भी आपको यही आंसर आना है कि माइनर दूसरों को बाइंड कर सकता है लेकिन उसको कोई बाइंड नहीं कर सकता तो जो मैं अभी आगे पढ़ाऊंगी यही आएगा या फिर अगर आपको क्वेश्चन आता है अ माइनर एग्रीमेंट इज वर्ड एबनीशियो एक्सप्लेन तो उसका भी यही आंसर है या सिंपल आपको आता है एक्सप्लेन माइनर एग्रीमेंट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एटीन तो भी यही आएगा या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ माइनर एग्रीमेंट तो इन सब का आंसर यही है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपने ओके इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी तो आप चेक कर लीजिएगा सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि माइनर कौन होता है According to Section 3 of Indian Majority Act 1875, a minor is a person who has not completed 18 years of age. Section 3 Indian Majority Act कहता है कि minor वो person है जिसने 18 years की age को complete नहीं किया है. Means वो person जो अभी 18 साल का नहीं हुआ है. कई books में आपको मिलेगा जिसमें दो conditions और extra दी होती है, जिसमें minor जो है वो 21 साल की age में majority attain करता है. ठीक है तो वो दो पॉइंट्स हैं जिसमें कोर्ट ऑफ वार्ड जो है वो माइनर को सुपरिनटेंडेंस अपॉइंट करता है या फिर जो गार्डियन एक्ट के अंदर माइनर को एक गार्डियन अपॉइंट करके दिया जाता है ठीक है तो ये जो दो पॉइंट्स हैं उसमें जो है माइनर जो है ट्वेंटी वन ईयर्स में मेजोरिटी अटेन करता है लेकिन टू थाउजेंड इंडियन मेजोरिटी एक्ट की अमेंडमेंट के अंडर ये पॉइंट्स को खत्म कर दिया गया है अब आपको सिर्फ और सिर्फ यही लिखना है कि जो माइनर है वो 18 इयर्स में ही मेजोरिटी अटेन करता है अब वो 21 इयर्स वाला जो कंडीशन है वो 2000 की अमेंडमेंट से खत्म कर दी गई है पर कई बुक्स में अभी भी वो प्रिंट हुआ आ रहा है तो आपको उन दो पॉइंट्स को नहीं लिखना है जब भी आप ये क्वेश्चन करेंगे ओके सो माइनर की अब एक यूनिफॉर्म एज है कि वो अट्ठारह साल का जब होगा तभी वो मेजर बनेगा सेक्शन थ्री कहता है ओके नेक्स्ट इज माइनर्स एग्रीमेंट Section 11 clearly states that a minor is not competent to contract if a person enters into a contract with a minor then such contract is inoperative and void ab initio सेक्शन इलेवन क्लियरली कहता है कि माइनर जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंप्यूट नहीं होता है अगर कोई पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉर्ड होता है वॉर्ड मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट कभी था ही नहीं और इनऑपरेटिव मतलब आप उसे ऑपरेट नहीं कर सकते एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग मतलब शुरू से, से ही वो था शुरू से ही वो एग्रीमेंट वर्यड था वो शुरू से ही कभी ऑपरेटिव था ही नहीं ठीक है तो कई बार ऐसा भी आ जाता है वर्ड एबनीशियो लिखा हुआ आ जाता है या फिर कई बार वर्ड फ्रॉम द इंस्टेंस लिखा हुआ भी आ जाता है तो कन्फ्यूज नहीं होना वही वही वर्डिंग है वो ओके द लॉ प्रोटेक्ट्स द माइनर्स सिंस माइनर्स नीड्स प्रोटेक्शन बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ लीगल इशूज इन्वॉल्व इन अ कॉन्ट्रैक्ट पर माइनर्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है इसलिए लॉ उनको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता लीगल इश्यूज में ऐसे तो फिर उनको कोई भी पागल बना के उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तो ठीक है तो इसलिए माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए यह सेक्शन जो है वो इंक्लूड किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ओके नेक्स्ट इज ए माइनर कैन रिसीव बेनिफिट ऑफ एक्शन बट इट इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन और आंसरेबल फॉर एनी एक्शन द लॉ गोज टू द एक्सटेंट दैट इवन इफ द माइनर एंटर्स अ कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलिंग अ लाइ नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम लॉ कहता है कि जो माइनर है वो बेनिफिट ले सकता है किसी भी एक्शन का किसी भी चीज़ का फ़ायदा ले सकता है लेकिन वो किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए या फिर किसी भी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं ले सकता आप माइनर को किसी भी चीज़ के लिए आंसरेबल नहीं कर सकते कि आपको उसे माइनर को आंसर देना पड़ेगा उस चीज़ का ठीक है मीन्स वो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं हो सकता लॉ इस हद तक भी जाता है कि अगर माइनर झूठ बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तब भी उसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जा सकता बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, 68 कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ ए माइनर इज लाइबल टू पे फॉर द नेसेसरीज जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो नेसेसरीज पे करने के लिए है मीन्स नेसेसरीज क्या होती है जो जरूरतें माइनर को प्रोवाइड की जाती है ठीक है जैसे कि खाना हो गया फूड हो गया क्लोदिंग हो गया तो ये ज़रूरतें हैं जो हर पर्सन को चाहिए होती है तो उस चीज़ के लिए माइनर की प्रॉपर्टी से पेमेंट की जाएगी माइनर पर्सनली कभी लाइबल नहीं होगा और ये ऐसा क्यों किया गया है द मेन पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सप्लाइंग दीज नेसेसरीज़ टू द माइनर इसका ये इसलिए ऐसा एक्ट किया गया है ताकि जो लोग माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो प्रोवाइड करें क्योंकि अगर या उसकी प्रॉपर्टी को भी लाइबल ना करते तो फिर ऐसे तो कोई भी माइनर को सप्लाई देता ही ना नेसेसरीज की क्योंकि हर एक को पता होता कि हम माइनर से पैसे तो रिकवर कर ही नहीं सकते तो इसलिए नेसेसरीज के, के केस में माइनर की प्रॉपर्टी को लाइबल किया जाता है ठीक है बट वॉट इज इंपॉर्टेंट टू नोट इज दैट माइनर पर्सनली कैन नेवर बी हड लाइबल इट इज हिज प्रॉपर्टी दैट इज लाइबल नॉट द माइनर ठीक है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर लाइबल नहीं है लेकिन नेसेसरीज अगर ले रहा है माइनर ज़रूरतें अगर खरीद रहा है तो उस केस में भी माइनर पर्सनली नहीं है लेकिन वो पेमेंट उसकी प्रॉपर्टी से होगी और बाकी जो केसेस तो तो okay? अब इंपॉर्टेंट अगर आप माइनर का क्वेश्चन कर रहे हो तो केस जरूर लिखना आपको अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे जो केस है हमारा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास में इसमें क्या था एक माइनर था जिसका नाम था धर्मोदास उसने क्या करा अपनी कुछ प्रॉपर्टी मॉटगेज कर दी मॉटगेज मतलब गिरवी रख दी किसके पास गिरवी रखी ब्रह्मदत्त के पास ठीक है ब्रह्मदत्त के पास जो कि कौन था था हस्बैंड किसका मोहरी बीबी का ठीक है फॉर अ लोन ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड मीन्स धर्मोदास ने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी ब्रह्मदत्त के पास बीस हजार का लोन लेने के लिए जिसमें से ब्रह्मदत्त ने धर्मोदास को ए रूपीज एडवांस दे दिए ओके उसी समय दे दिए मीन्स फ्यू मंथ लेटर लेकिन कुछ महीनों बादशनिंग शुड बी कैंसल्ड और उसने एक डेक्लेशन कोर्ट में डाली की जो मॉर्डगेज है मैंने जो गिरवी चीज रखी थी जो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी उसे कैंसल कर दिया जाए क्योंकि तब मैं माइनर था तो कोर्ट में जब ये केस गया तो ये डिसाइड हुआ कि जो मोर्डगेज माइनर ने करी थी वो वॉयड है जो उसने प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो वॉयड है क्योंकि माइनर के साथ आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो वो हमेशा से वॉयड था तो वो मोर्डगेज जो गिरवी रखी थी जो गिरवी रखी थी उसने प्रॉपर्टी वो भी वॉयड ही होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी था ही नहीं एंड ब्रह्मदत्त दत्त वॉज नॉट इन टू रीपेमेंट ऑफ मनी और जो ब्रह्मदत्त ने उस समय धर्मोदास को एट थाउजेंड रुपीज़ दिए थे अब वो पैसे माइनर से रिकवर नहीं कर सकता क्योंकि उसने उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान दिए थे जो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं ठीक है तो अब माइनर की मर्जी है वो पैसे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता लेकिन इस केस में धर्मोदास ने उसे पेमेंट नहीं करी एट थाउजेंड और ब्रह्मदत्त वो पैसे कभी भी रिकवर नहीं कर पाया क्योंकि कोर्ट माइनर को नहीं कह सकता अब आप कहेंगे कि ये केस तो सारा ब्रह्मदत्त के साथ है तो केस में मोहरी बीबी कहाँ से आ गई एक्चुअली जब ये केस ब्रह्मदत्त लड़ रहा था तो लड़ते समय जब अपील जब आई उसकी रूलिंग आई और फिर अपील डाली दोबारा से दूसरे कोर्ट में तो उसमें उस दौरान ब्रह्मदत्त की डेथ हो गई तो फिर उस कोर्ट केस को जो है आगे किसने लड़ा उसकी वाइफ ने मोहरी बीबी ने तो जब इसकी फाइनल रूलिंग आई तब ब्रह्मदत्त नहीं था मोहरी बीबी ही थी तो उस केस में इसलिए इस केस का नाम जो है वो मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष है ना कि ब्रह्मदत्त वर्सेस धर्मोदास घोष है ओके आई होप आपको ये केस क्लियर हो गया होगा नेक्स्ट इज लीगल पोजिशन ऑफ माइनर माइनर की क्या लीगल पोजिशन है कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज एब्सोल्यूटली वॉइड ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी लीगल पोजिशन है क्या नेसेसरीज uh, के रिगार्डिंग क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर का माइनर कॉन्ट्रैक्ट फॉर इज़ बेनिफिट्स माइनर कॉन्ट्रैक्ट फॉर पेरेंट्स और गार्डियंस ठीक है ये सारे पॉइंट्स रेटिफाइड इंस्टीट्यूशन हम आगे डिस्कस करेंगे ये फिफ्टीन पॉइंट्स है नंबर वन पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड जब भी आप माइनर का क्वेश्चन लिखेंगे तो इस पॉइंट को आपको सबसे पहले लिखना है नंबर वन पे लिखना है जब आप उसका लीगल पोजीशन बता रहे होंगे कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन इलेवन ए माइनर इज नॉट कम्पीटेड टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप माइनर के साथ करते हो तो वो बिल्कुल वॉइड होता है मीन्स वो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं क्योंकि माइनर कम्पीटेंट ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इफ अ माइनर रिसीव्स सम मनी एंड प्रोमिसज टू डू समथिंग इन रिटर्न अगर माइनर कुछ मनी रिसीव करता है और प्रॉमिस करता है उसके बदले में कुछ करने के लिए दूसरी पार्टी के लिए तो उस केस में जो पर्सन है जो कोर्ट है वो माइनर को कभी भी मजबूर नहीं कर सकता कि कि वो जो काम जिसके लिए आपने प्रॉमिस करा था वो करो या फिर आप पैसे वापस करो दूसरी पार्टी को ठीक है तो जब भी कोई पर्सन किसी के साथ किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये ज़रूर चेक कर ले कि दूसरी पार्टी कहीं माइनर तो नहीं है क्योंकि आप कोर्ट में उसके खिलाफ फिर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते ना ही आप अपनी एडवांस मनी वापस ले सकते हो तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस जो अभी मैंने बताया है मोहरी बीबी वर्सेज धर्मोदास का भी आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें भी जो धर्मोदास है उसने एट थाउजेंड वापस नहीं दिए ठीक है जो उसने अपनी माइनॉरिटी के दौरान एडवांस लिए थे ब्रह्मदत्त से ओके okay? एक और केस है इसमें श्याम लाल वर्सेज प्यारे लाल का इसमें क्या था ए माइनर सोल्ड हिज शॉप माइनर ने अपनी दुकान बेच दी द बायर मेड द पेमेंट बायर ने पेमेंट कर दी बट सेल द सेलर वॉज ए माइनर लेकिन जो सेल डीड थी वो रजिस्टर नहीं हो सकी क्योंकि जो सेलर था जिसने दुकान बेची वो माइनर था जब बायर ने उसके खिलाफ सूट फाइल करा कोर्ट में तो कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी था ही नहीं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड एंड द मनी दैट हैज़ बीन पेड कैन नॉट बी रिक्लेम्ड और जो पैसे दिए हैं बायनर ने बायर ने उसे सेल डीट के दौरान वो पैसे रिकवर नहीं हो सकते हैं ठीक है अब देखो कोर्ट माइनर को मजबूर नहीं कर सकता लेकिन अगर माइनर चाहे तो वो वापस कर सकता है अपनी मर्जी से लेकिन कोर्ट उसे मजबूर नहीं कर सकता ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसरीज ऑफ लाइफ ये पॉइंट पहले मैंने पहले भी बताया है कि अगर माइनर को कोई नेसेसरीज देता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है सेक्शन 68 एट स्पेसिफाइज दैट अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ माइनर फॉर द प्रक्योरमेंट ऑफ नेसेसरीज इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल पर्सनली मतलब वो पर्सनली कोई भी कभी भी लाइबल नहीं होता है ठीक है सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी होती है जिससे हम नेसेसरीज़ की पेमेंट करते हैं इफ़ अ माइनर डज नॉट ओन एनी प्रॉपर्टी लेकिन अगर माइनर की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है तो जो पर्सन उसे नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहा है वो कभी भी अपनी पेमेंट रिकवर नहीं कर सकता ओके okay? अब नेसेसरीज क्या होती है किन चीजों को कहेंगे हम नेसेसरीज नेसेसरीज डिपेंड करती है कि माइनर का लाइफ क्या है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है वो कैसे रह रहा है ठीक है नेसेसरीज मीन्स दो थिंग्स दैट आर एसेंशली नीडेड बाय द माइनर जो जरूरी होती है माइनर के लिए दे कैन नॉट इंक्लूड लग्जरीज उसमें आप कॉस्टली या लग्जरी आइटम्स नहीं इंक्लूड कर सकते जैसे कि फूड क्लोदिंग हो गई ठीक है रेंट ऑफ ए हाउस घर का किराया हो गया एक्सपेंस ऑफ मेडिसिन मेडिसिन का खर्चा हो गया ट्रैवलिंग एक्सपेंस हो गया कहीं वो ट्रैवल कर रहा है मनी स्पेंट ऑन बर्थ एंड डेथ राइट्स एक्सपेंस ऑन मेंटेनिंग द नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मतलब जैसा वो जिंदगी जी रहा है उसको मेंटेन करने के लिए जितना भी खर्चा आता है वो सारी उसकी नेसेसरीज में आती है इंडियन लॉ के अंडर एंड एक्सपेंस ऑन मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर्टी बट इफ़ अ माइनर इज इन पोजेशन ऑफ सम ऑफ समीज नेसेसिटीज लेकिन अगर माइनर के पास ऑलरेडी ये नेसेसिटीज हैं और अगर फिर से वो और लोन लेता है इन नेसेसिटीज को खरीदने के लिए तो उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा क्योंकि माइनर के पास वो ऑलरेडी नेसेसिटीज थी ठीक है तो अगर उसके पास पहले से नेसेसिटीज नहीं है अगर फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो वैलिड माना जाएगा और उसकी प्रॉपर्टी से पेमेंट होगी लेकिन अगर उसके पास पहले से नेसेसिटीज हैं है और फिर भी अगर वो और नेसेसिटीज खरीदने के लिए लोन लेता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा Next is minor contract for his benefits. माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर इज बेनिफिट अपने बन सकता है वही पॉइंट है द कॉन्ट्रैक्ट डिफाई सच कॉन्ट्रेक्ट एज ए वर्ड वो कॉन्ट्रैक्ट वर्ड नहीं होता है जिसमें माइनर जो है अपने बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रेक्ट करता है अब इसकी एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा इसमें केस है मुझे आप बिलियड सिखाओगे और उस प्रोफेशनल बिलियड प्लेयर ने यह भी कहा कि अपने साथ में लेकर जाऊँगा कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी के लिए तो कोर्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बाधा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फ़ायदे के लिए था क्योंकि वो सीख रहा था बिलियड बिलियड सीख रहा था ठीक है तो ये वैलिड हो गया कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि वो उसके बेनिफिट के लिए था ठीक है अब एक केस और है द जनरल अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस मदन लाल और सोनू लाल का इसमें क्या था कि एक माइनर था जिसने अपने गुड्स को इंश्योर कराया किसके पास इंश्योरेंस कंपनी के पास गुड्स डैमेज हो गए तो एक्स ने केस फाइल करा इंश्योरेंस कंपनी के पास कि मुझे क्लेम दिया जाए मुझे पैसे दिए जाए मेरे गुड्स डैमेज हो गए हैं अब इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो थोड़ी चलाक थी उसने क्या करा उसने कोर्ट में ये प्ली ले ली प्ली क्या ले ली मतलब उसने ये कहा कि भाई जिसकी जिसके हमने गुड्स इंश्योर किए वो तो माइनर है ठीक है तो कॉन्ट्रैक्ट तो उसके साथ वर्ड हो गया तो हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी तो उन्होंने ये कोर्ट में प्ली ले ली कि जो इंश्योर्ड है वो माइनर है और ये कोर्ट अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट कभी माइनर के साथ हुआ ही नहीं था तो कोर्ट ने वो प्ली को रिजेक्ट कर दिया क्यों क्योंकि यहाँ पे माइनर क्या था इस कॉन्ट्रैक्ट में माइनर बेनिफिशरी था तो उस केस में एंड अलाउड द माइनर टू रिकवर द इंश्योरेंस मनी और माइनर ने और कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि आपको माइनर को पेमेंट करनी पड़ेगी क्योंकि माइनर यहाँ बेनिफिशरी है तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉयड नहीं हुआ ठीक है नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बाय पेटीए पेरेंट्स और गार्डियंस ऑफ अ माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर के पेरेंट्स करते हैं या फिर उसका गार्डियन गार्डियन मतलब जो उसे संभालता है जो उसकी जिम्मेदारी ले, लेता है ठीक है अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ पेरेंट और अ गार्डियन ऑफ ए माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ ए माइनर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट माइनर के बेनिफिट के लिए उसका पेरेंट या गार्डियन करता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है सच अ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सड बाय द माइनर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को माइनर लागू कर सकता है चला सकता है बट बिफोर इन्फोर्समेंट लेकिन इन्फोर्समेंट करने से पहले उसे चलाने से पहले उसे आगे लागू करने से पहले दो कंडीशन होना बहुत ज़रूरी है दैट माइनर गार्डियंस हैज़ ए राइट टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ ए माइनर माइनर के गार्डियन के पास ये हक होना चाहिए कि वो माइनर के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर सके सेकेंड इज द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड लॉफुली कॉन्ट्रैक्ट लॉफुली मेड किया हुआ होना चाहिए मतलब उसमें सारी कंडीशन होनी चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जरूरी है और वो माइनर के बेनिफिट के लिए होना चाहिए ये कंडीशन पूरी होंगी तभी जो है वो माइनर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कर सकता है लेकिन एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड ऑन बिहाफ और फॉर माइनर इज वॉइड इफ अ माइनर ऑन बिकमिंग अ मेजर कैन प्रूव सच कॉन्ट्रैक्ट वॉज नॉट मेड फॉर माइनर बेनिफिट और गेन लेकिन अगर माइनर ये प्रूफ कर देता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कभी भी उसके फायदे के लिए नहीं था और मेजर होने पे ये चीज की प्रूफ कर देता है माइनर तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है वॉइड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट इज माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी रेटिफाइड ऑन बिकमिंग अ मेजर माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को आप कभी भी ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं कर सकते मेजर बनने पर रेटिफाई का मतलब होता है ऑफिशियली एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को साइन करके ठीक है ए कॉन्ट्रैक्ट मेड विद अ माइनर इज वर्ड एब्निशियो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट माइनर के साथ तो कभी था ही नहीं वर्ड एब्निशियो था मीन्स वॉइड था शुरू से ही तो फिर जो चीज़ कभी थी ही नहीं उसे आप रेटिफाई कैसे कर सकते हो रेटिफाई आप करेक्ट वर्ड भी इसमें आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हो कह सकते हो कि करेक्ट तो आप कैन नॉट बी रेटिफाइड बिकॉज नो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड कभी थी ही नहीं आप उसे कैसे correct कर सकते हो आप उसे कैसे ratify कर सकते हो तो इसलिए माइनर ए मेक्स कॉन्ट्रैक्ट विद बी दैट लेटर पे हिम टू थाउजेंड विच ही बिकम्स अ मेजर अब ये एक एग्जाम्पल है जिसमें एक ए माइनर था ठीक है उसने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा ठीक है 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 अब यहां पे ये वर्ड लेटर लेटर लिखा हुआ का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे ए और बी लिखा है ना तो लेटर का मतलब हुआ ये बी के रिगार्डिंग बात हो रही है अगर यहाँ पे फॉर्मर होता तो वो ए के रिगार्डिंग बात हो रही होती ठीक है तो आपको लॉ की बुक में ऐसा जरूर मिलेगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ये वर्ड का मतलब ये होता है ठीक है तो माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट करा बी के साथ कि बी लेटर पे लेटर यहाँ पे बी है बी पे हिम टू बी उसे

माइनर हैज रिसीवड बेनिफिट और प्रॉफिट ही इज नॉट बाउंड बाय लॉ टू पे फॉर सच बेनिफिट और कंपनसेट और एंस्टिट्यूट इज प्रोवाइडर रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है पर्सन को उसी पोजिशन पे दोबारा पहुंचाना जिसपे वो था कॉन्ट्रेक्ट करने से पहले रिफंड ऑफ बेनिफिट का मतलब होता है जो बेनिफिट माइनर ने लिया है उसे वापस करना ठीक है तो अगर माइनर ने कोई बेनिफिट लिया है या प्रॉफिट लिया है किसी पर्सन से जो कि एडल्ट था जो माइनर नहीं था कब लिया जब वो माइनर था ठीक है अगर माइनर ने कोई फायदा लिया है या बेनिफिट लिया है किसी पर्सन से तो वो जो कोर्ट है उसे कभी भी मजबूर नहीं कर सकता उसकी पेमेंट वापस करने के लिए क्योंकि जब उसने उससे वो पैसे लिए थे या कोई फायदा लिया था तो उस केस में तब वो माइनर था तो कॉन्ट्रैक्ट तो माइनर के साथ हमेशा ही वॉइड होता है ठीक है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी था ही नहीं तो कोर्ट कभी भी माइनर को वो पैसे वापस करने के लिए नहीं कह सकता ठीक है वो अपने बेनिफिट को कभी भी रिफंड नहीं कर सकता जैसे मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल आपको केस समझाया है मोरी बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष का जिसमें धर्मोदास ने ब्रह्म से एट थाउजेंड एडवांस लिए थे तो मेजर होने के बाद जो ब्रह्म है वो कभी भी अपने एट थाउजेंड रुपीज नहीं ले पाया धर्मोदास से क्योंकि धर्मोदास ने वो पैसे तब लिए थे जब वो माइनर था और कॉन्ट्रैक्ट तो माइनर के साथ कभी भी हो ही नहीं सकता ठीक है तो आप बेनिफिट को भी रिफंड नहीं करते कोर्ट कभी भी धर्म माइनर को नहीं कहता है नेक्स्ट इज डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट द माइनर एस्टॉपल का मतलब क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल का मतलब क्या होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल कहता है जैसे अगर आपने कोई स्टेटमेंट दी आपने कुछ बोल दिया ठीक है तो बाद में आप उस चीज से मुकर नहीं सकते डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल लग जाता है कि आपने कोई चीज बोली तो आप बाद में ये नहीं कह सकते कि ना ना मैं तो नहीं ये करूंगा मीन्स तब आपके ऊपर डॉक्टर लग जाता है मीन्स कोर्ट आपको रोक देता है कि जो स्टेटमेंट आपने दी है अब आप उसे डिनाई नहीं कर सकते आप उसे वापस नहीं कर सकते आपको उसे परफॉर्म ही करना पड़ेगा लेकिन ये चीज जो है ये डॉक्टराइट माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं होता है अगर माइनर ने इफ अ माइनर हैज माई मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज इंड्यूस्ड अ पार्टी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम माइनर ने झूठ मूठ से अपनी एज को बढ़ा के सपोज माइनर ने दूसरी पार्टी को बोला कि मैं तो इक्कीस साल का हूं उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया झूठ बोल के तब भी आप ही कैन नॉट बी स्यूड फॉर मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट और फॉर फ्रॉड तो माइनर को आप कभी भी स्यू नहीं कर सकते फ्रॉड के लिए ठीक है कि इसने फ्रॉड करा है इसने झूठ बोल के हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करा है ठीक है तो यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं होता है कि आप माइनर को ये नहीं कह सकते कि पहले आपने आपने अपने आपको इक्कीस साल का बता के कॉन्ट्रैक्ट कर लिया अब आपको कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना ही पड़ेगा ठीक है तो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टॉपल माइनर में अप्लाई नहीं होती है इफ अ लोन और सम प्रॉपर्टीज ऑप्टेंड बाय द माइनर बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन लेकिन अगर माइनर धोखे से किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी ले लेता है द एग्रीमेंट इज सेट असाइड द कोर्ट कैन डायरेक्ट हिम ऑन इक्विटेबल कंसिडरेशन टू रिस्टोर द मनी और प्रॉपर्टी टू द अदर पार्टी वाइल्ड द लॉ गिवस प्रोटेक्शन टू माइनर इट डज नॉट गिव दैम लिबर्टी टू चीट अब अगर ऐसा ही कंडीशन हो गई फिर तो हर माइनर चीटिंग करता फिरेगा जाके सबसे पैसे लेता रहेगा और कहता रहेगा कि भाई कोर्ट तो मुझसे रिकवर कर नहीं सकता तो इस केस में कोर्ट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल माइनर को फ्री कर देता है कोर्ट उस सारे केस को देखता है फिर उसके बाद अपना डिसीजन देता है अगर कोर्ट को लगता है कि माइनर ने धोखा किया है किसी के साथ जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी लेने की कोशिश करी है तो उस केस में कोर्ट माइनर को कह सकता है कि आप उसकी प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन की उसको वापस करो क्योंकि माइनर को लॉ प्रोटेक्शन देता है लेकिन उसे चीटिंग करने की आज़ादी नहीं देता ठीक है तो कोर्ट देखता है पूरे केस को नेक्स्ट इज माइनर एज एन एजेंट माइनर एज एन एजेंट भी अपॉइंट किया जा सकता है माइनर कैन बी अपॉइंटेड एज एन एजेंट बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 184, एटी फोर द पर्सन अपॉइंटिंग द माइनर और द प्रिंसिपल वुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल टू द माइनर एक्टिविटीज माइनर को एजेंट अपॉइंट किया जा सकता है लेकिन सेक्शन 8184 कहता है कि जो पर्सन माइनर को अपॉइंट करता है वो हमेशा खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा माइनर के काम के लिए माइनर की एक्टिविटीज के लिए ठीक है क्योंकि माइनर पर्सनली तो कभी लाइबल होता ही नहीं है ठीक है तो जो पर्सन माइनर को अपॉइंट करता है उसे हम क्या कहते हैं प्रिंसिपल कहते हैं प्रिंसिपल वो पर्सन होता है जो अपना आगे कोई पर्सन एजेंट अपॉइंट करता है द प्रिंसिपल कैन नॉट बाय लॉ होल्ड अ माइनर एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर केयरलेसनेस विलफुल निगलेक्ट और मिस परफॉर्मेंस इज हिस्ट ड्यूटीज अगर माइनर ने एजेंट 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 था माइनर किसी प्रिंसिपल का तो अगर उसने जानबूझ के कुछ गड़बड़ करी ठीक है या फिर उसकी वजह से कोई लॉस हो गया तो माइनर कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा

क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो एडल्ट होना बहुत जरूरी है नेक्स्ट इज माइनर एज ए पार्टनर माइनर को पार्टनर अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं ये देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन थर्टी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ए माइनर कैन नॉट एंटर इंटू अ पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन थर्टी कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का कि माइनर को आप पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते बट If partners agree, अगर सारे पार्टनर्स मानते हैं माइनर में बी एडमिटेड टू शेयर द बेनिफिट एक्टिंग पार्टनरशिप और कैन क्लेम दीड शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द पार्टनरशिप फॉर्म सेक्शन थर्टी कहता है कि माइनर एंटर नहीं कर सकता लेकिन एक कंडीशन है कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री करते हैं तो माइनर को आप एडमिट कर सकते हो पार्टनरशिप में लेकिन सिर्फ बेनिफिट के लिए या फिर प्रॉफिट शेयर करने के लिए माइनर कभी भी लॉस पे रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा लॉस नहीं शेयर करेगा वो ए माइनर कैन नॉट पर्सनली बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एनी ड्यूटी असाइन टू हिम बाय द फर्म अगर पार्टनरशिप फर्म उसे कोई काम असाइन करती है अगर माइनर ने वो नहीं करा ठीक है या फिर उसके वो काम ना करने की वजह से फर्म को कोई लॉस हो गया तो माइनर कभी भी उस लॉस के लिए पर्सनली लायबल नहीं होगा ओके okay? तो इसलिए पार्टनर्स जो है वो देख के ही उसे अपॉइंट करते हैं विद इन सिक्स ऑफ़ अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी ही इज ऑबलाइज टू डिक्लेयर वेदर और नॉट ही वॉन्ट्स टू कंटिन्यू हिज पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ विच हिज न्यू स्टेटस विल बी डिसाइडेड अब जब माइनर जो है वो मेजर हो गया ठीक है तो छह महीने के अंदर अंदर उसे बताना होता है कि क्या वो कंटिन्यू करना चाहता है पार्टनरशिप या फिर नहीं करना चाहता है ठीक है अगर तो वह नहीं करना चाहता तो वो बता देगा कि मैं अब पार्टनरशिप कंटिन्यू नहीं करना चाहता तो उसे बाहर निकाल दिया जाएगा लेकिन अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता है इट विल बी डीम्ड टू बी अ पार्टनर तो फिर वो मान लिया जाएगा कि वो फर्म का पार्टनर बन चुका है एंड एंड हैव द सेम ऑब्लिगेशन एज द अदर पार्टनर तो फिर उसकी वही जिम्मेदारियां हो जाएंगी जो बाकी पार्टनर्स की होंगी अगर वो कोई भी पब्लिक नोटिस नहीं देता है ठीक है नेक्स्ट इज माइनर एज अ शेयर होल्डर अ माइनर बींग इनकंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी माइनर कंपीटेंट नहीं होता कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तो वो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं बन सकता इफ बाय मिस्टेक अगर गलती से वो मेंबर बन जाता है क्योंकि शेयर होल्डर्स कौन होते हैं मेंबर्स होते हैं कंपनी के कंपनी कैन रिसाइंड अ ट्रांजेक्शन रिसाइंड होता है कैंसल अगर गलती से वो मेम्बर बन जाता है तो कंपनी उसकी ट्रांजेक्शन को कैंसिल कर सकती है और उसका नाम रजिस्टर से हटा सकती है बट ए माइनर मे एक्टिंग थ्रू हिज लॉफुल गार्डियन बिकम अ शेयर होल्डर बाय ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ फुली पेयड शेयर टू हिम लेकिन माइनर शेयर्स खरीद सकता है किसके थ्रू अपने गार्डियन के थ्रू मतलब गार्डियन के थ्रू वो शेयर खरीद सकता है कंपनी के और शेयर होल्डर बन सकता है मीन्स गार्डियन उसके बिहाफ पर खरीद सकता है ठीक है लेकिन माइनर को हमेशा फुली पेड शेयर्स ही इशू किए जाएंगे क्यों क्योंकि वो जो पैसे जो पे शेयर्स हैं जो फुली पेड है अगर आपने शेयर्स के अभी आधे ही पैसे मंगवाए हैं ठीक है तो अगर आप माइनर को वो शेयर इशू कर देते हो तो आप बाकी पैसे जो है वो माइनर से रिकवर नहीं कर सकते तो इसलिए कोशिश की जाती है कि अगर माइनर अपने गार्डियन के थ्रू एक्ट करता है तो उस केस में उसे फुली पेड शेयर्स ही इशू किए जाते हैं कंपनी में नेक्स्ट इज श्योरिटी लाइबिलिटी फॉर माइनर श्योरिटी कौन होता है जो किसी के बिहाफ पे गारंटी देता है कि अगर इस पर्सन ने पेमेंट नहीं करी तो मैं कर दूंगा उसे बोलते हैं हम श्योरिटी इफ अ पर्सन हैज़ अग्रीड टू स्टैंड श्योरिटी टू बी अ गरेंटर फॉर अ माइनर अगर किसी पर्सन ने माइनर के लिए गारंटी दी है मीन्स जिस पर्सन ने गारंटी दी है वो श्योरिटी बन गया उसका नाम श्योर sure, वो श्योरिटी हो गया सच पर्सन वुड बी रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल डेटर एंड वुड बी लाइबल टू पे पर्सनली एज अ माइनर इज नॉट लाइबल टू पे ठीक है जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें ये है कि जो पर्सन गारंटी देता है किसी दूसरे पर्सन की जैसे ए है ए एक माइनर है बी ने मी uh, बी ने जो है वो ए के लिए गारंटी दी है तो बी कौन हो गया बी श्योरिटी हो गया ठीक है ए कौन है ए प्रिंसिपल डेटर है ठीक है और सी कौन है जिसको पेमेंट देनी है अब देखो अब यहाँ पे ए कौन है ए माइनर है ठीक है और प्रिंसिपल डेटर कौन पर्सन होता है प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन होता है जिसकी पहली जिम्मेदारी होती है पेमेंट करने की ठीक है अब सपोज करो अगर ए माइनर नहीं था तो ए प्रिंसिपल डेटर है बी श्योरिटी है और सी वो है जिसको पेमेंट करनी है तो जब पेमेंट करने का टाइम आया तो सी सबसे पहले किसके पास जाएगा ए के पास जाएगा मुझे पेमेंट दो अगर ए पेमेंट नहीं करेगा तो सी जो है वो बी के पास जाएगा कि तुमने ए के लिए गारंटी दी थी अब तुम तो मुझे पेमेंट करो ठीक है तो पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है ए की बनती है ए कौन है प्रिंसिपल डेटर लेकिन माइनर के केस में अगर ए हमारा माइनर है और बी ने उसके लिए गारंटी ली है तो उस केस में माइनर कभी भी प्रिंसिपल डेटर नहीं होगा प्रिंसिपल डेटर भी श्योरिटी ही होगा मींस ए ही होगा तो जब भी पेमेंट की बारी आएगी सी तो वो कभी भी ए के पास पैसे लेने नहीं जाएगा वो सीधा ही सीधा बी के पास ही जाएगा क्योंकि बी ही श्योरिटी है और बी ही प्रिंसिपल डेटर है क्योंकि माइनर कभी भी पर्सनली लायबल नहीं होता पेमेंट करने के लिए ओके इट इज़ टू बी नोटेड दट श्योरिटी मस्ट ऑलवेज बी एन एडल्ट श्योरिटी हमेशा एडल्ट होना चाहिए क्योंकि अगर श्योरिटी भी माइनर हो जाएगा तो पैसे तो कभी रिकवर होंगे ही नहीं इन केस ऑफ कशिबा वर्सेज श्रीपथ वेयर एन अडल्टिवन अ गारंटी फॉर द माइनर द कोर्ट हैड द श्योरिटी एज अ प्रिंसिपल डेटर सिंस देर कुड बी नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द माइनर इस केस में क्या हुआ था एडल्ट ने गारंटी दी थी माइनर की तो माइनर के लिए जिसने गारंटी दी थी जो श्योरिटी था वही प्रिंसिपल डेटर भी था ठीक है एक्चुअली श्योरिटी के पास पर्सन तब जाता है पैसे लेने के लिए जब प्रिंसिपल डेटर पे नहीं करता है ठीक है लेकिन माइनर के केस में वही पर्सन एडल्ट ही श्योरिटी होता है वही प्रिंसिपल डेटर होता है क्योंकि माइनर से माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता है किसी चीज के लिए नेक्स्ट इज पोजिशन ऑफ ए माइनर इनगोशियबल इंस्ट्रूमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन ट्वेंटी सिक्स ऑफ नेगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ए माइनर कैन बी अ प्रोमिस माइनर प्रामिसर बन सकता है ही कैन ड्रॉ डिलीवर इन डोर बिल ऑफ एक्सचेंज चेक और प्रामिजरी नोट माइनर चेक या प्रामिजरी नोट कुछ भी बना सकता है वो कर सकता है प्रामिसर बन सकता है इन केस ऑफ सच डॉक्यूमेंट बींग डिसऑनर्ड डिसऑनर्ड का मतलब होता है अगर उसकी पेमेंट नहीं हुई ए माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल वेयर एज द एसोसिएटेड पार्टीज इफ एनी आर लाइबल फॉर द पेमेंट सपोज अगर माइनर ने कोई प्रामिजरी नोट दिया दूसरे पर्सन को कि मैं टू मंथ्स के बाद तुम्हें इतनी पेमेंट करूंगा ठीक है और वो जिस पर्सन को दिया उसने आगे वो नोट किसी और को दे दिया सपोज ठीक है तो फिर जब पेमेंट की बारी आई ठीक है और माइनर ने पेमेंट नहीं करी मींस वो डॉक्यूमेंट जो है वो डिसऑनर हो गया डिसऑनर मतलब उसकी पेमेंट नहीं हुई तो उस केस में जिस पर्सन ने माइनर से लिया था वो माइनर के पास आके वो पैसे रिकवर नहीं कर सकता है उसने आगे तीसरी पार्टी को वो डॉक्यूमेंट दे दिया है तो वो खुद ही तीसरी पार्टी को पेमेंट करेगा वो माइनर से लेके नहीं करेगा क्योंकि माइनर के साथ तो कभी कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं तो मीन्स जब भी जो माइनर है वो डॉक्यूमेंट को दे सकता है किसी को भी ठीक है कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकता है चेक बना सकता है लेकिन वो पर्सनली लाइबल नहीं होता है अगर वो डॉक्यूमेंट डिसऑनर हो गया ठीक है तो जितनी पार्टीज उसमें जुड़ी हुई हैं और उस डॉक्यूमेंट में तो वही पेमेंट करेंगी माइनर कभी खुद पेमेंट नहीं करेगा Next is liability for tort. Tort होता होता है है कुछ गलत करना। civil wrong, जब आप किसी को जानबूझ के नुकसान पहुंचाते हो। टॉट में दस जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि माइनर ने घोड़ा बोरो करा किसी पर्सन से राइड करने के लिए मतलब चलाने के लिए ओनली ही वॉज हेल्ड लाइबल वेन ही लेंट द हॉर्स टू वन ऑफ his फ्रेंड वेन jumped. एंड किल्ड द हॉर्स ठीक है उसने घोड़ा लिया राइडिंग के लिए लेकिन उसने क्या करा उस घोड़े को अपने किसी दोस्त को दे लिया दे दिया जिसने उस घोड़े के ऊपर बहुत ज़्यादा जंप करा जिसकी वजह से वो घोड़ा मर गया ठीक है तो अब यहाँ पे माइनर ने इंटेंशनली ऐसा करा ठीक है जानबूझ के करा दूसरे पर्सन के घोड़े को नुकसान पहुँचाने के लिए तो यहाँ पर जो है वो माइनर लाइबल होगा कोर्ट उससे लाइबल मानेगा नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल होता ही नहीं है तो वो कभी इंसॉलवेंट भी नहीं हो सकता है इंसॉलवेंट का मतलब होता है दिवाला निकलना किसी का ए माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉलवेंट एज ही इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेट्स एंड ड्यूज आर पेबल फ्रॉम द पर्सनल प्रॉपर्टीज ऑफ ए माइनर ही इज नॉट पर्सनली लाइबल तो दिवाला तो सिर्फ उसी बंदे का निकल सकता है ना इंसॉल्वेंट तो वही पर्सन हो सकता है जो पर्सनली कभी लाइबल होगा तो माइनर तो कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता वो कभी भी पर्सनली किसी को पेमेंट उससे कोई रिकवर कर ही नहीं सकता तो इसलिए माइनर जो है वो कभी भी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी जो है वो लाइबल होती है वो भी सिर्फ किस केस में नेसेसिटीज के केस में नेक्स्ट इज माइनर कैन नॉट बाइंड पेरेंट और गार्डियन माइनर जो है इन द एबसेंस ऑफ अथॉरिटी अगर माइनर को कोई भी अथॉरिटी नहीं है एक्सप्रेस और इम्प्लॉइड या तो एक्सप्रेस अथॉरिटी भी नहीं एक्सप्रेस अथॉरिटी होती है बोल के या फिर लिख के इंप्लाइड अथॉरिटी होती है बिहेवियर से ठीक है अगर माइनर के पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट के कर कर करके माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिज पेरेंट और गार्डियन इवन फॉर नेसेसरीज द ठीक है ऐसा नहीं है फिर तो ऐसे हर माइनर जो है जा जा के सबके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता फिरेगा कि इसकी पेमेंट जो है मेरे पेरेंट या गार्डियन दे, दे देंगे ठीक है वो सिर्फ तभी पैसे रिकवर कर सकते हैं लोग द पेरेंट्स विल भी हेड लाइबल पेरेंट्स तभी लाइबल होंगे ओनली वेन द चाइल्ड इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर द पेरेंट्स लेकिन अगर चाइल्ड जो है वो पेरेंट्स का एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है ठीक है तभी पेरेंट्स लाइबल होंगे अदरवाइज पेरेंट्स लाइबल नहीं होंगे जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ एक छोटा बच्चा होता है अगर उसके पापा उसके साथ जाते हैं और दुकानदार को बोलते हैं कि मेरा बच्चा जब भी कोई चीज़ लेने आएगा तुम दे देना उसकी पेमेंट मैं कर दूंगा तो यहाँ पे पेरेंट ने क्या बोल दिया एक्सप्रेस करके बता दिया कि बच्चा मेरा एजेंट है ठीक है मेरे आप इसको जो भी ये मांगता है ये दे दीजिए तो वहाँ पे पेरेंट्स जो है वो पेमेंट करेंगे वो पेरेंट्स को बाइंड कर सकता है क्योंकि पेरेंट्स ने खुद दुकानदार को ये चीज़ बोली है लेकिन अगर पेरेंट्स ऐसी नहीं बोलते हैं चीज़ तो उस केस में अगर माइनर खुद ही जाके पेमेंट ले ले कुछ भी खरीद लेता है तो उस केस में आप जो है माइनर के पेरेंट को आ, से पेमेंट रिकवर नहीं कर सकते ठीक है तो माइनर तब तक अपने पेरेंट्स को बाइंड नहीं कर सकता जब तक उसके पेरेंट उसको मतलब पेरेंट्स खुद ना बोले कि ये माइनर जो है वो ये बच्चा जो है वो हमारा एजेंट है एक तरह से ओके तो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हाँ अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हाँ एक चीज़ और मैं आपको कहना चाह रही थी Uh, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आते हैं कि मैम आप हमारी वीडियो नहीं बना रहे हो या फिर आप ये वाला टॉपिक नहीं बना रहे हो एक्चुअली मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है बहुत सारे टॉपिक्स की रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं धीरे धीरे सबकी वीडियो को कवरअप करूँगी तो आप ये मत सोचिए कि आपका जो कमेंट है वो बिल्कुल इग्नोर हो गया है मैं सबके टॉपिक्स को है वो नोट करती हूँ ओके सो थैंक यू